بسم الله الرحمن الرحيم। इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाने काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की संख्या में मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाने काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको खाने काबा की हिस्ट्री पता होगी। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको खाने काबा की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाने काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबे को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि काबे की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके बाद हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया था, तब खाने काबा तूफान की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर खाने काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाने काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के कारण काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जो तामीर हुई वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खाने काबा को तामीर किया। और आज जो हम खाने काबा को देखते हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाने काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाने काबा हफ्ते में 2 बार आवाम के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खाने काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाने काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है खाने काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाने काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर आज खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और ये दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबेर की मलकियत में था। कुछ जराए के मुताबिक हजरे अस्वद बहरेन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखमाल्टियन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनके जिस्मों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां इसके एवज में पैसे वसूल किए गए। इनको फिर मजबूर किया गया कि वो हजरे अस्वद को खलीफाए बासत को वापस कर दे। जब इसे वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था और इन टुकड़ों को एक जगह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं।
दोस्तों काबा लफ्ज का अर्थ होता है क्यूब, यानी कह लीजिए चौकोर। मगर क्या आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से ना जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने खाने काबा की तामीर की थी, तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों हम मुसलमानों को खाने काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाने काबा को किसी दूसरे रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है पहले खाने काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाने काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा सिल्क तथा कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफे काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग 60 मिलियन डॉलर्स यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। क्या आपको मालूम है खाने काबा की तादाद 2 है? खाने काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और काबा है, जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक्या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते, मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। दोस्तों खाने काबा के दरवाजे को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास मौजूद है। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई, मगर प्यारे नबी ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान के पास ही हैं। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक ये चाबियां कयामत तक उन्हें के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ले जाए। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वो भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीरें ऑनलाइन भी देखी, और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों खाने काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों खाने काबा मक्का के ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी व रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वो तैराकी करके तवाफ करते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।